ऑल राइट, सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंजिनिक्स वेब सर्वर के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे कि व्हाट इज एंजिनिक्स, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि एंजिनिक्स है क्या, ठीक है, एंड उसके बाद लिनक्स सेंटोएस या तो रेड हैट एनवायरनमेंट पे एंजिनिक्स वेब सर्वर यू नो इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है वो भी देखेंगे, एंड इंस्टॉलेशन के बाद अपने सेटअप को वेरीफाई कैसे करना है एंड चेक कैसे करना है कि हमारा सेटअप प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, एंड उसके बाद यू नो एंजिनिक्स से रिलेटेड जो भी हमारी कॉन्फिग फाइल्स हैं, लॉग डायरेक्टरीज है, उसकी लोकेशंस कहाँ हैं और उसको कैसे चेक करना है, एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हम यू नो एक बार गो थ्रू करेंगे, एंड वीडियो के एंड में एक हम लोग अपनी बेसिक सी वेबसाइट जो लिनक्स हमारे सर्वर पर डिप्लॉयड है, ठीक है, सो एंजिनिक्स वेब सर्वर के यूज़ करके हम उसको ब्राउजर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. सो क्विकली हम लोग वीडियो शुरू करते हैं. ऑल राइट, सो वॉट इज एंजिनिक्स? इट इज़ अ वेब सर्वर दैट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट वाई HTTP और HTTPS and respond to display website content through storing, processing and delivering web pages to the user. So simple language में अगर इसको समझें तो Nginx एक Linux की service है, ठीक है, एक package होता है जिसका काम ये होता है कि जब भी browser से कोई HTTP request आती है, for example किसी user ने google.com यू नो सर्च किया हो, तो इसका काम होता है कि web server अपना जो web page है वो user को यू नो डिस्प्ले करता है अपने browser पर, ठीक है. Nginx सिर्फ वेब सर्वर तक ही लिमिटेड नहीं है, दिस कैन ऑल्सो भी यूज एज अ रिवर्स प्रॉक्सी, लोड बैलेंसर, मेल प्रॉक्सी एंड HTTP कैशे. ऑल दो ये टॉपिक्स अब बहुत डिफरेंट है, सो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ वेब सर्वर के बारे में बात करेंगे, ठीक है. एंड अगर हम Nginx वेब सर्वर के यू नो रियल रियल वर्ल्ड यूसेज की अगर बात करें तो यू कैन सी यू नो Airbnb, Netflix एंड WordPress.com जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स एंड बड़ी बड़ी कंपनीज भी Nginx यूज़ करती हैं. डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं बट Nginx यूज़ कर रही हैं. ऑल राइट, सो अब हम इंस्टॉलेशन पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि Linux CentOS या तो Red Hat एनवायरमेंट पे आप Nginx कैसे इंस्टॉल कर सकते हो. इसमें सिंपली चार स्टेप्स हैं, ठीक है, और ये चारों स्टेप्स रिकमेंडेड है Nginx के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, एंड क्योंकि अगर आप ये चारों स्टेप्स फॉलो करके Nginx इंस्टॉल करते हो तो आपको यू नो जो भी अपडेटेड यू नो फंक्शनैलिटीज़ हैं एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है. सो अपन यू नो स्टार्ट करते हैं. तो पहले स्टेप में अपन को सिंपली क्या करना है, एक Nginx की रेपो बनानी है, ठीक है, तो यम रेपो Nginx की सेटअप करनी है. तो सिंपली हम क्या करते हैं, sudo vi और /etc/yum.repos.d, ठीक है, ये लोकेशन मतलब ये जो डायरेक्टरी है वो आपके लिनक्स एनवायरनमेंट में ऑलरेडी होगी, एंड उसके अंदर अपन Nginx.repo नाम की एक फाइल बनाएंगे, ठीक है. तो क्विकली इसको अपन अपने टर्मिनल पे देख लेते हैं, ठीक. ऑल राइट, सो ये हमारा लिनक्स टर्मिनल आ गया है. तो हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे sudo vi vim editor, ठीक है, और /etc/yum.repos.d, ठीक है, तो ये लोकेशन आपका होगा ऑलरेडी, ठीक है, लिनक्स टर्मिनल पे. एंड उसके बाद हम लोग सिंपली करेंगे Nginx.repo नाम की एक अपनी सिंपली फाइल बनाएंगे, ठीक है. सो वीएम एडिटर है तो यहाँ पे हम लोग यू नो एक फाइल बना भी रहे हैं और एडिट भी कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग की एक फाइल यू नो ओपन हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है, तो इंसर्ट मोड पे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, सिंपली आई प्रेस करना है. एंड उसके बाद हम लोग को क्या कॉन्टेंट यू नो यहाँ पे कॉपी करना है, तो हम लोग सिंपली फिर से अपने इस पे आ जाते हैं, ठीक है. सो सेकेंड स्टेप में अगर आप देखोगे एड द फॉलोइंग लाइन्स टू द Nginx.repo जो अभी हम लोग ने जो फाइल बनाई है, ठीक है. सो यहाँ पे सिंपली देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 लाइन्स हैं, और 5 लाइन में आपको जो बेस URL है ना, जो थर्ड लाइन देख रहे हो आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सिंपली जो चेंज करने हैं वो है, दो चीज़ें चेंज करनी है. वो यहाँ पे देखोगे पैकेजेस के पास जो है CentOS और 8 जो देख रहे हो, ठीक है, तो ये CentOS और जो 8 है ये मेरे खुद के वर्जन है, ठीक है. तो मैं CentOS अभी यूज़ कर रहा हूँ एंड वर्जन जो यूज़ कर रहा हूँ वो है 8, ठीक है. तो हो सकता है कि आपका वर्जन दूसरा हो, तो आपके 7 वर्जन है तो आप वहाँ पे 7 यूज़ करोगे, या तो अगर आप Red Hat यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपके नाम, ठीक है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का नाम और आपके वर्जन का नाम ये चेंज होगा, और बाकी आपकी 5 लाइन, बाकी जो रिमेनिंग लाइन है वो सेम रहेगी, ठीक है. तो हम लोग सिंपली ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और जितने भी स्टेप्स हैं मैं यू नो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा, तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो. क्विकली हम लोग अपने फाइल में इसको पेस्ट कर देते. सो अभी हम लोग ने अपनी फाइल में वो यू नो जो 5 लाइन थी हम लोग ने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और सिंपली हम लोग यहाँ पे आप इसके बाद अपनी फाइल को सेव कर लेंगे, ठीक है, WQ एंड सेव. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो अपडेट द यम रेपो. सो सिंपली हम लोग को क्या करना है, sudo yum update, ठीक है, तो ये कमांड यूज करना है. सो सिंपली हम लोग sudo yum update अपने टर्मिनल पे यू नो टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे. इसके बाद होगा क्या, हम लोग ने सबसे पहले तो यू नो अपने एक यम रेपो बनाई Nginx की, एंड उसमें यू नो अपना एक कॉन्टेंट जो भी ऐड किया, एंड उसके बाद हम लोग अपने यम को ही पूरा अपडेट कर रहे हैं, ठीक है. इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है,
एंड आपको यू नो सिर्फ यस यस करते जाना है। ऑल राइट, सो यहाँ पे यू कैन सी कि हमारा जो यम अपडेट वाला जो प्रोसेस था यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है फाइनली। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है इंस्टॉल एंजिनिक्स ओपन सोर्स पैकेज, ठीक है, जिसके लिए हम लोग सिंपली कमांड यूज करेंगे सूडो यम इंस्टॉल एंजिनिक्स, ठीक है। तो ये हम टर्मिनल पे देख लेते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ एंड हम लोग को सिंपली करना है यहाँ पे सूडो यम इंस्टॉल एंजिनिक्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग को ये कमांड एग्जीक्यूट कर देना है एंड सिंपली यस यस करते जाना है, ठीक है, जहाँ भी आपको पूछेगा। एंड ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है एक्चुअली। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा एंजिनिक्स फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक। ऑल राइट, सो हमारा एंजिनिक्स वेब सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम अपनी एंजिनिक्स जो सर्विस है उसको स्टार्ट स्टॉप कैसे करना है, उसका स्टेटस कैसे चेक करना है एंड वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो एंजिनिक्स वेब सर्वर है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे कर्ल कमांड है, ठीक है, एंड उससे भी हम लोग यू नो सिंपली चेक कर सकते हैं। एंड हमारी जो सर्विस है उसको स्टॉप स्टार्ट कैसे करना है हम लोग यू नो क्विकली टर्मिनल पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिस्टम सी टी एल कमांड का यूज करेंगे, सिस्टम सी टी एल स्टेटस एंजिनिक्स डॉट सर्विस, या तो सिंपल एंजिनिक्स भी करोगे तो भी आपको वो शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी कि ये इनएक्टिव स्टेट पे, ठीक। अगर मैं यहाँ पे कर्ल कमांड यूज करता हूँ एंड सिंपल हाइफन आई 127.0.0.1, सो फेल टू कनेक्ट, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा वेब सर्वर कनेक्टेड ही नहीं है। और 127 यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते, अभी और मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी तक हमारा एंजिनिक्स स्टॉप था, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको, सिस्टम सी टी एल स्टार्ट एंजिनिक्स डॉट सर्विस, या तो सिंपल एंजिनिक्स भी यूज़ करोगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी सिंपली स्टेटस देखते हैं, ठीक है, आप स्टेटस देखते हैं तो नाउ यू कैन सी कि ये रनिंग स्टेट में, ठीक है, अभी हमारा एंजिनिक्स रनिंग स्टेट में। तो आप अब क्या, मैं अभी वैसे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अभी हम लोग यू नो कर्ल कमांड जो अभी अनेबल टू कनेक्ट जो बता रहा था पिछली बार, अभी हम लोग फिर से अगर यूज़ करें, ठीक है, नाउ यू कैन सी कि ये जो HTTP जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, 200 है एंड ओके, ठीक है। सो इट्स का मतलब है कि अब हमारा वेब सर्वर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये अभी सिर्फ सिंपल सर्वर पे ही और इंटरनल रिक्वेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट और HTML एक पेज हम लोग ने इसको प्रोवाइड किया है। अभी हम लोग का लिनक्स सर्वर है तो हम लोग वेब पेज नहीं देख सकते हैं, बट यहाँ से भी आप सिंपली चेक कर सकते हो कि आपका वेब सर्वर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक तो हम लोग यू नो ओके। ऑल राइट, सो अब हम एंजिनिक्स के यू नो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे आप दो चीज़ें देख सकते हो, एक तो engineX.com फिर जिसकी लोकेशन होती है ETC के अंदर, engineX एक फोल्डर है उसके अंदर ये जो आपको फाइल मिल जाएगी। एंड जो दूसरी है वो है यूज़र शेयर engineX HTML, ठीक है। तो ये जो HTML जो लोकेशन है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब जब भी हमारी यू नो HTTP रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे जो HTML वेब पेजेस हमारे जो होते हैं ना वो हमारे शो होते हैं वेब ब्राउज़र पे, ठीक है। तो अभी हम जब वेब ब्राउज़र से यू नो रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग वन बाय वन दोनों, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग engineX.conf पे conf देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आ गए हैं अपने टर्मिनल पे, मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CD ATC engineX, ठीक है। सो LSLTR मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे engineX.com दिख रही है, ठीक है, मैं engineX.less करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो इस टाइप के हमारी कुछ यू नो engineX की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो दिखती है। अगर हम शुरू से देखें तो यहाँ पे सिंपली कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की लिंक दी हुई है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हो, यहाँ पे कुछ यूज़र्स यू नो सेटअप दिया हुआ है, जैसे कि यूज़र engineX है, ठीक है, एंड जो एरर लॉग्स है इसकी डायरेक्टरीज कहाँ होंगी, ठीक है, तो वॉर लॉग engineX एरर लॉग्स डॉट लॉग, ठीक है। तो इन केस आपको यू नो लॉग्स यू नो एक्सेस करने हैं तो यहाँ से देख सकते हो, वैसे हम लॉग्स पे भी अभी आएंगे इसके बाद। जो PID है प्रोसेस ID, जब engineX हमारी जो सर्विस चलती है, ठीक है, उसके रिलेटेड कहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एंड उसके बाद जो इंक्लूड है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो भी फाइल्स हैं वो कहाँ से यू नो इंक्लूड करना है, ये मतलब जो बैकएंड में जो भी आपका प्रोसेस चलता वो है, ठीक है। तो और हमारी जो मेन, ठीक है, जो भी हमारा जो मेन जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, engineX से रिलेटेड, वो यहाँ पे हमारे HTTP जो एक ब्लॉक दिखेगा
उसके अंदर है, ठीक है। एंड उसके अंदर अगर यहाँ का पहले देखोगे तो लॉग फॉर्मेट मेन है, ठीक है। तो लॉग फॉर्मेट मतलब जो भी हमारे लॉग फाइल्स बनती है जो, ठीक है, उसके जो फॉर्मेट होगा उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से इन लोग इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके बाद है एक्सेस लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग की फिर अगेन है डायरेक्टरी कहाँ है, एंड इसके बाद देखो कि तो मेन, ठीक है, और ये जो मेन है लॉग फॉर्मेट का, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई होंगी। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक TCP है, TCP नो डिले है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है, सेंड फाइल एक्सेट्रा। इसके बाद सिंपल है, कीप अ लाइफ टाइम आउट 65, ओके। सो ये सब प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट, बट अभी हम अभी से बेसिक समझ रहे हैं तो ये ज़्यादा हम लोग टच नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ कमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड है, यहाँ पे जो हमारा सर्वर है, ठीक है, जो मेन हमारा वेब सर्वर है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर आप देखोगे लिसन, ठीक है, तो 80 ये डिफ़ॉल्ट सर्वर, ठीक है। तो ये 80 आपका पोर्ट है, ठीक है। तो ये 80 डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, लाइक 1234 या तो 8080 या तो कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रूट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यूज़र शेयर एंजिनिक्स HTML, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये जो सर्वर ब्लॉक है, ठीक है, ये 80 पोर्ट पे लिसन कर रहा है, एंड यहाँ पे जो अगर यहाँ पे देखोगे तो सिंपली ये क्या है, लोकल होस्ट पे आपका लिसन कर रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा, इस लोकेशन पे जाएगा, यूज़र शेयर एंजिनिक्स HTML, और इसके अंदर जो आपकी वेब पेज है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपको वेब ब्राउज़र पे वो वाला वेब पेज दिखेगा, ठीक है। अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि, ठीक है। फिर अगेन कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, फिर अलग अलग थोड़े से ब्लॉक्स हैं, और यहाँ पे अगर देखोगे तो एरर पेज 404, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कि अगर कुछ एरर आता है, ठीक है, किसी वजह से अगर आपका एक्सेस नहीं हो पाता है तो कौन सी फाइल्स रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 40x.html ये फाइल्स भी ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंजिनिक्स के यू नो केस में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, अपाचे वेब सर्वर में आपको ये फाइल्स खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। ऑलराइट, सो इसके नीचे अगर आप देखोगे तो सेटिंग्स फॉर अ TLS इनेबल्ड यू नो सर्वर। TLS होता है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जिसमें आप SSL यू नो इनेबल्ड सर्टिफिकेट्स यूज़ करते हो डेटा इंक्रिप्शन के लिए और डेटा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सो मोस्टली यू नो कंपनीज में यू नो TLS इनेबल्ड ही नेटवर्क्स एंड यू नो कनेक्शंस यूज होते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग ने इंजीनियरिंग की कॉन्फ़िगरेशन तो देख ली है, उसके बाद हम लोग यू नो अपनी HTML जो फाइल्स है वो क्या होती है वो देख लेते हैं फटाक से। यूजर शेयर एंजिनिक्स HTML, ठीक है। सो ये इस लोकेशन पे जाते हैं, LSLTML करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यू नो प्री बिल्ट कुछ ऑलरेडी फाइल्स हैं, जिसमें से index.html जो मेन होती है, ठीक है, जो 404/50x.html, और ये तो दो हाँ वहाँ सिंपल सी यू नो पिक्चर्स इन्होंने ऐड करी है। सो index.html आपकी जो मेन यू नो वेब पेज होता है, जो कि आपके जो सबसे पहला यू नो जो मेन होम पेज होता है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो और इसको चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये ऑलरेडी प्रीबिल्ट दी है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने HTML फाइल्स तो देख ली है। ऑलराइट, सो अभी तक हम लोग ने टर्मिनल पे देखा था कि हमारा वेब सर्वर यू नो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, हम लोग ने वेरीफाई किया था, ठीक है, कर्ल कमांड से। बट अब हम वेब ब्राउजर से, ठीक है, एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर पे एंड चेक करेंगे कि वेब सर्वर हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग के लिए इसके लिए सिंपली चाहिए पड़ेगी जो लिनक्स का हमारा जो अपना IP है, ठीक है, जो IP एड्रेस है वो हमें ज़रूरत पड़ेगा, जिससे हम अपने वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे ifconfig, एंड ifconfig में हमें यहाँ पे हमारी IP मिल चुकी है, ठीक है, एंड इस IP से हम लोग यू नो रिक्वेस्ट करेंगे वेब ब्राउजर पर, ठीक है। तो सिंपली मैं वेब ब्राउजर पे जाता हूँ, अपनी IP पेस्ट करूँगा और यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ लोडिंग हो रही है, एंड इसका एक रीज़न हो सकता है कि हमारा जो लिनक्स सर्वर है, ठीक है, सो उस पर हमारा फायरवॉल इनेबल रहता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, तो हमारा फायरवॉल इनेबल मतलब यू नो एक्सेस अलाउ नहीं करता है। सो हम लोग यू नो थोड़े टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फायरवॉल है उसको स्टॉप करेंगे एंड चेक करते हैं कि हमारा एक्सेस हो रहा है कि नहीं। सिस्टम CTL, ठीक है, स्टेटस, पहले स्टेटस देख लेते हैं, फायरवॉल्स
ठीक है, तो हमारा फायरवॉल इनेबल्ड है। सो हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल को स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप। ठीक है, अभी स्टॉप किया और हम लोग सिंपली ओके। सो हम लोग को रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा और हमारी जो वेबसाइट है ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो वेबसाइट है यू नो प्रॉपरली वर्किंग है, और हमारे से सिंपल वही आईपी थी, ठीक है, सर्वर की आईपी थी, और यहाँ पे हमारा वेब पेज दिख रहा हुआ, ठीक है। और ये वेब पेज ये वही है जो हम लोगों ने अभी पहले थोड़ी देर पहले देखा था, cd यूजर शेयर html nginx सॉरी nginx html और else, ठीक है। तो ये index.html ही है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें एडिट भी कर सकते हो एंड आपको वही चीज़ें वहाँ भी दिखेगी, ठीक है। और राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे index.html, इसमें अगर आप ठीक है नीचे देखोगे, सो सी ये जो हैडर है बॉडी का एंजिनिक्स ट्यूटोरियल, ठीक है। सो यहाँ से आपको यू नो वेब पेज यू नो शो करता है, ठीक है। ऑल राइट, सो अभी तक हम लोग ने एंजिनिक्स सेटअप भी कर लिया, हम एंजिनिक्स हम लोग ने वेरीफाई भी कर लिया एंड हम लोग ने वेब ब्राउजर से अपनी वेब पेज को एक्सेस भी कर लिया, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग जो लास्ट पार्ट बचा है वो लॉक्स, ठीक है। तो लॉक्स कहाँ पे, वार लॉक्स, ठीक है, तो एंजिनिक्स, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे दो टाइप्स के लॉक्स आपको दिखेंगे, error.log एंड access.log। सिंपली हम लोग यू नो लास्ट में ये भी कवर कर लेते हैं, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, cd var logs nginx analysis कर लेता हूँ, ठीक है। सो 22 मार्च, ठीक है, तो ये सबसे लेटेस्ट लॉग यहाँ पे देख सकते हो, error.log एंड access.log। सो हम लोग सबसे पहले access.log को रीड करके देखते हैं। तो मैं सिंपली less कमांड यूज़ करूँगा, ओके। सो ज़्यादा कंटेंट नहीं है बिकॉज अभी अभी यू नो जस्ट अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही इसको एक्सेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लाइक ये है कि कौन से रिमोट यू नो लोकेशन से यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, फिर यहाँ पे डेट टाइम वगैरह दिया हुआ है, गेट रिक्वेस्ट है, HTTP, ठीक है, रिक्वेस्ट है बिकॉज अभी हम लोग ने सिक्योर HTTPS वाला यू नो कुछ सेटअप नहीं किया है, ठीक है। स्टेटस है, बाकी यू नो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, कितनी बाइट्स हम लोग ने ट्रांसफ़र करी है। अब ये अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे पता, तो अभी अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था nginx.conf में, ये वाली फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा था लॉग फॉर्मेट में, सो यहाँ पे देखोगे तो ये जो फॉर्मेट था लाइक रिमोट एड्रेस, रिमोट यूज़र, रिक्वेस्ट, स्टेटस, बॉडी यू नो बॉडी बाइट सेंड, तो यही फॉर्मेट में आपको यहाँ पे access.log देखने मिलता है, ठीक है। सो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सिमिलरली error.log भी रहता है, ठीक है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे मोस्टली आपको यू नो कनेक्शन जब रिफ्यूज है या तो किसी वजह से आपके कनेक्शन ब्रेक हो रहे हैं तो आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो इन केस आपको यू नो कभी कुछ इश्यूज आते हैं कि आपका वेब सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा है या तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे लॉग एक्सेस कर सकते हो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ऑलराइट, सो ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक थी, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा एंड इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि होगी रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है, जिसमें हम लोग एंजिनिक्स एंड अपाचे वेब सर्वर दोनों यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो, एंड कोई भी कमेंट हो फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, थैंक यू।